संवेदक में कई ड्राइविंग स्कूल अवैध तौर पर चलाए जा रहे हैं, जिसके कारण वैध रूप से ड्राइविंग स्कूल चलाने वाले मालिकों के उधर निर्वाह पर खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते विदर्भ रीजन मोटर ट्रेनिंग स्कूल ओनर्स एसोसिएशन नागपुर के तत्वावधान से आरटीओ कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। दरअसल विदर्भ में 62 ड्राइविंग स्कूल वैध रूप से चलाए जा रहे हैं, लेकिन वही लगभग 200 ऐसे ड्राइविंग स्कूल हैं जो अवैध रूप से भ्रष्टाचार के बूते पर चलाए जा रहे हैं। जहां विदर्भ रीजन मोटर ट्रेनिंग स्कूल ओनर्स एसोसिएशन नागपुर के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि परिवहन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की जाँच पड़ताल किए बिना अवैध रूप से ड्राइविंग स्कूल को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, जिसके चलते पूरे नियमों से चलने वाली ड्राइविंग स्कूल के व्यवसाय पर बड़ी मात्रा में इसका असर हो रहा है। बार बार शिकायत करने पर भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करने वाला परिवहन विभाग पूरी तरह से बेशर्म हो चुका है, जिसके चलते विदर्भ रीजन मोटर ट्रेनिंग स्कूल ओनर्स एसोसिएशन द्वारा आरटीओ कार्यालय पर बेशर्म के पौधे गमले में लगाते हुए मुंह पर काली पट्टी बांधते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस वक्त प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि जो अवैध रूप से ड्राइविंग स्कूल चलाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए, साथ ही साथ उन पर गुनाह भी दाखिल किया जाए। बघा पत्रकार लोकांनो, आम्ही बऱ्याच दिवसापासून बेकायदेशीर ड्राइविंग स्कूल या नागपूर शहरात सुरू आहे। आम्ही पैसे भरून शासनाच्या सर्व मान्यता घेऊन बऱ्याच दिवसापासून बऱ्याच वर्षापासून हे ड्राइविंग स्कूल सुरू ठेवत आहे आमची, आणि हे जे शासनाची परवानगी न घेता उघडपणे बेकायदेशीरपणे धंदा करत आहे। या नागपूर शहरामध्ये मान्यताप्राप्त ड्राइविंग स्कूल केवळ 63 ड्राइविंग स्कूल मान्यता प्राप्त आहे, आणि अवैधप्रमाणे 200 ड्राइविंग स्कूल यामध्ये पूर्ण नागपूर शहरात संचालित आहे। यावर आम्ही वारंवार प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांच्याकडे वारंवार तक्रार करूनही सुद्धा यांच्यावर कोणत्या प्रकारचा प्रतिबंध लावला गेला नाही। या कारणामुळे आमच्यावर उपासमारीची पाळी आलेली आहे। आमच्या ड्राइविंग स्कूलमध्ये बरेचसे कर्मचारी राहतात, त्यांच्याही परिवारांच्या समस्या आलेली आहे। हे सर्व या लोकांना कळून सुद्धा हे यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करत नाही। यासाठी या आमची मागणी आहे की यांच्यावर कठोरपणे कारवाई करून यांच्यावर गुन्हे दाखल करावे। का कारवाई होत नाही याच्यामुळे आम्ही आता या कारवाई करिता आम्ही परिवहन आयुक्तांपर्यंत गेलो, त्याच्यानंतर परिवहन सेक्रेटरीकडे गेलो। आमची हीच मागणी आहे का याच्यामुळे यांना काहीतरी यांचे धागे दोरे आहे। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष डेंबरे की रिपोर्ट।